तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 200 से भी अधिक कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो आप हमारी ऐप में मिल जाएंगे विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो यहां पर आपको यूजी और पीजी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे एग्नो से हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपसे कोर्स रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी, आप किसी और जगह पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि आपके मनी और बैंकिंग के सिलेबस में शामिल है। तो ये जो टॉपिक है उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू मॉनेटरी पॉलिसी, और ये जो टॉपिक है ये बी एन जॉनसन की बुक से लिया गया है, ठीक है, लेसन नंबर 19 है उनमें। तो यहां पर बच्चों हम देखेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस तरीके से काम करती है, ये हमारा टॉपिक है। तो यहां पर बच्चों देखिए, कुछ हमारे आज हम जो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं टारगेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स की, यानी कि कौन कौन से टारगेट्स हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये हमारा आज का मुद्दा है इस पूरे के पूरे वीडियो का। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर क्योंकि हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो एक बार आपको मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस बता देता हूं। बच्चों देखिए, फिस्कल पॉलिसी का यूज गवर्नमेंट करती है और मॉनेटरी पॉलिसी का यूज जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जैसे आरबीआई इंडिया में है मॉनेटरी अथॉरिटी, या जैसे अमेरिका में फेड है, तो इस तरीके की जो पॉलिसी यूज करती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जो सेंट्रल बैंक यूज करती है देश की और जो गवर्नमेंट यूज करती है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो बच्चों मैंने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंस है उस पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, हालांकि वो वीडियो एक्स्ट्रा है बच्चों के लिए, लेकिन मैं प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा ताकि आप उस कंसेप्ट को समझ सको। इसके अलावा बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन करते हुए भी एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी मैं आपको जोड़ दूंगा प्लेलिस्ट में ताकि आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो फिलहाल हम देखिए यहां पर बात कर लेते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसकी कुछ टर्मोलॉजी है, यानी कि जैसे जैसे हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे उसमें कुछ टर्मोलॉजी है, ठीक है। तो ये हमारी पहली वीडियो है, तो इसमें टर्मोलॉजी में क्या है बच्चों, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स किसे कहते हैं, पॉलिसी टारगेट किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट टारगेट्स क्या होता है, पॉलिसी रिजीम्स क्या होता है। तो एक तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में जब आप इन चारों टर्म का यूज होगा तो आप इसका मतलब समझ सकें। तो बच्चे शुरुआत अगर हम करें पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट से, तो देखिए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जैसे जिसका कंट्रोल जिसको आरबीआई कंट्रोल करती है, या फेड कंट्रोल करती है, या किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है। जैसे कि देखिए आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आरबीआई के पास में या सेंट्रल बैंक के पास में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। हम पहले क्वांटिटेटिव की बात करें तो बैंक रेट आता है, इसके अलावा डिस्काउंट रेट होता है इसके अंदर, इसके अलावा बच्चों CRR होता है, SLR होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आपको कहलाते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या आता है, जैसे मॉरल सॉल्यूशन आ गया, राशनिंग आ गया, ठीक है, इसके अलावा मार्जिन रिक्वायरमेंट आ गया, डायरेक्ट कंट्रोल आ गया। तो ये सारे के सारे जो तरीके हैं ये क्वालिटेटिव में काउंट किए जाते हैं, और इसके इन दोनों ही के द्वारा जो आरबीआई है या जो सेंट्रल बैंक है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी में को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यानी कि इकोनॉमी में जो टारगेट्स हैं, देखिए हमारे इकोनॉमी में कुछ टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को पाने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, यानी कि पॉलिसी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स इज दैट दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पॉलिसी मेकर, यानी कि इनको आरबीआई कंट्रोल कर सकती है। जैसे आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा सकती है, बैंक रेट को घटा सकती है, आरबीआई जो बेस रेट है या जो डिस्काउंट रेट है उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है, या सीआरआर को चेंज कर सकती है। यानी कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आरबीआई के या सेंट्रल बैंक के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। यानी कि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, तो बच्चों पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ जोड़ दूंगा इस पूरे के पूरे उसमें, तो मैं बता दूंगा कौन कौन से नंबर पर कौन कौन सी वीडियो है बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहां कहां पर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो यहां पर बच्चों मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉलिसी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब यहां पे क्या हुआ, ठीक है। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो टूल्स जो आरबीआई यूज करती है टू कंट्रोल टू गेट द टारगेट, और जिस पर आरबीआई का कंट्रोल होता है, लेकिन जिस पर कंट्रोल नहीं होता वो है टारगेट। देखिए सबसे सिंपल बात है, आपके पास दो चीजें हैं, एक तो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है, दूसरा पॉलिसी टारगेट है। इंस्ट्रूमेंट पे आप कंट्रोल कर सकते हो लेकिन टारगेट पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरा उद्देश्य है जीडीपी का 6% पाना,
तो मैं 6% के लिए पॉलिसी तो मैं चला सकता हूं, लेकिन 6% मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बहुत और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी सरकार के पास में जीडीपी को 10% पाना पॉसिबल होता तो हर सरकार यही चाहती है कि उसकी जीडीपी 10% से ज्यादा रहे। यानी कि उसके लिए उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी है, मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स भी है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है, लेकिन सभी के टारगेट पूरे तो नहीं होते। यानी कि यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं पॉलिसी गोल्स और पॉलिसी टारगेट वो होते हैं जिसे पाना तो चाहता है पॉलिसी मेकर, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। यानी कि यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कोई भी इकोनॉमी में जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके कई सारे टारगेट्स होते हैं। तो यहां पे हम कुछ टारगेट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो फेजेबल हैं, बहुत सारे ऐसे टारगेट भी होते हैं जो अनफेजेबल होते हैं, जिनको पाना भी मुश्किल है, ठीक है। लेकिन यहां पे उन टारगेट की बात करें, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है तो किसी भी देश का जो टारगेट होगा वो क्या होगा, जीडीपी को 6%, 8%, 10% प्राप्त करना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए इसके लिए आपको सेविंग को प्रमोट करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, तो कई सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जरूरी है कि ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सके। इसके अलावा बच्चों प्राइस स्टेबिलिटी, देखिए अगर प्राइस बढ़ती है तो भी अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अगर मान लीजिए जो आपका अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट 10% है, 12% है, 8% है, तो ये किसी भी इकोनॉमी को तबाह कर सकता है, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए जो टारगेट, ऐसा भी नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन होनी ही नहीं चाहिए, तो 1%, 2% जो होती है वो आपके ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है, जो टारगेट होता है, वो होता है प्राइस स्टेबिलिटी। इसके अलावा बच्चों बिजनेस साइकिल, देखिए अर्थव्यवस्था में बिजनेस साइकिल आते रहते हैं, कभी मंदी, कभी तेजी आएगी, फिर मंदी आएगी, फिर तेजी आएगी, इस तरीके से अर्थव्यवस्था घूमती रहती है बिजनेस साइकिल में। तो इस बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी यूज होती है उसको हम बोलते हैं काउंटर साइकिल पॉलिसी। जैसे कि मान लीजिए मंदी चल रही है, मंदी का मतलब डिमांड कम है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी वो होगी आप कह सकते हो इजी मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पर जो बैंक होगी वो आसान शर्तों पर सस्ते रेट पर आपको लोन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी। इसी तरीके से अगर तेजी है, मान लीजिए बूम आ रहा है, जहां पे प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही है, वहां पे जो क्रेडिट है उसको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आपका जो लोन की टर्म है वो मुश्किल कर देगी। तो कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक या फेड के पास होते हैं। इसके अलावा बच्चों इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी, देखिए अगर मान लीजिए आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हो तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो ये भी एक टारगेट होता है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को आप कंट्रोल कर सकते हो। या क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट अगर गिरता है तो डेफिनेटली जो हमारा क्या बोलते हैं उसको इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ प्राइस भी बढ़ेगी। यानी कि अगर आप इंटरेस्ट रेट के टारगेट पर चले जाओगे तो आपका प्राइस स्टेबिलिटी का टारगेट छूट जाएगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, यही हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो यहां पे हमें ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। इसके अलावा बच्चों स्टेबिलिटी इन दी एक्सचेंज रेट, ये भी हमारा एक टारगेट हो सकता है। यानी कि देखिए एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना, क्योंकि जैसे ही आप मॉनेटरी पॉलिसी में कई ऐसे तरीके हैं जो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के काम आते हैं, तो क्योंकि पूरा का पूरा जो एक्सचेंज रेट है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। तो बच्चों ये सारे के सारे टारगेट्स हैं। तो इन मॉनेटरी पॉलिसी के टारगेट के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी हम इस प्लेलिस्ट में आपको जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों कुछ इंटरमीडिएट टारगेट होते हैं। देखिए मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, वो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर रहता है, मुझे उसके यहाँ पे पार्टी में जाना है, उसके यहाँ बर्थडे में जाना है, तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, मेरी कार मेरा इंस्ट्रूमेंट्स है, मेरी क्लिच, मेरा पेट्रोल जो मैं कार में भरवाता हूँ, ये सब मेरे इंस्ट्रूमेंट्स है। और टारगेट क्या है, टारगेट है मेरा उसके घर पहुंचना। तो जो टारगेट है और इंस्ट्रूमेंट के बीच में कई सारे इंटरमीडिएट टारगेट्स आते हैं, यानी कि छोटे छोटे टारगेट्स, क्योंकि आप 20 किलोमीटर एकदम से जंप करके पहुंच सकते, आपको पहले 4 किलोमीटर जाना होगा, फिर उसके बाद अगला टारगेट अचीव करना होगा, फिर उसके बाद अगला टारगेट अचीव करना होगा। और टारगेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट टारगेट होते हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हो 6% ग्रोथ लेना, तो 6% ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आपका कैपिटल फॉर्मेशन का रेट ज्यादा हो, तो कैपिटल फॉर्मेशन का रेट को बढ़ाना आपका इंटरमीडिएट टारगेट है। फाइनल टारगेट जीडीपी को बढ़ाना ही है, लेकिन इंटरमीडिएट टारगेट क्या है, जैसे मान लीजिए टेक्निकल इनोवेशन है, तो टेक्निकल इनोवेशन पे आप पैसा खर्च कर रहे हो, वो आपका इंटरमीडिएट टारगेट है, फाइनल टारगेट जीडीपी को बढ़ाना है। तो इस तरीके से हमारे इंटरमीडिएट टारगेट होते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट टारगेट वो टारगेट होते हैं जो फाइनल टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो मैच मान लीजिए 20 ओवर का है, ठीक है, तो 20 ओवर आप में आपका मैच जीतना आपका फाइनल टारगेट है, लेकिन उस फाइनल मैच को जीतने के लिए तो आपको बहुत सारे स्टेप उठाने पड़ेंगे ना, तो उनको हम बोलते हैं बच्चों इंटरमीडिएट टारगेट्स। तो यहां पे देखिए इंटरमीडिएट टारगेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि यानी कि वो टारगेट होते हैं जो फाइनल टारगेट को पाने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा बच्चों एक होता है पॉलिसी रिजीम। देखिए पॉलिसी रिजीम का मतलब होता है उस प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से, उस तरीके से जिसके द्वारा आप अपने फाइनल टारगेट पर पहुंचोगे।
जैसे कि मान लीजिए आपका टारगेट ग्रोथ को अचीव करना है, तो ग्रोथ को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट कैसे गिरे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा। इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, प्राइसेस जो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, यानी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा, इससे आपका जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस को कंट्रोल भी करना है। तो इस तरीके से जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पॉलिसी रिजीम, जिसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अपने इंटरमीडिएट टारगेट को अचीव करके आप अल्टीमेटली अपने फाइनल गोल पे पहुंचने की कोशिश करते हो। तो बच्चों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, पॉलिसी टारगेट, इंटरमीडिएट टारगेट और पॉलिसी रिजीम, इन चारों शब्दों का यूज बार बार होगा, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वो इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, जो आप कह सकते हो जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, लेकिन हमारा पॉलिसी टारगेट, फाइनल टारगेट पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हर इकोनॉमी चाहती है कि उसको जो फाइनल टारगेट अचीव हो जाए, लेकिन उस फाइनल टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कुछ इंटरमीडिएट टारगेट को भी अचीव करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि इंटरमीडिएट टारगेट वो है जो फाइनल टारगेट को पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा बच्चों पॉलिसी रिजीम का मतलब यहाँ पे ये है कि आप देखिए उन पूरी की पूरी प्रक्रिया से जिसे हम यूज करेंगे। तो बच्चों इस पे हमने कई सारी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए पहली वीडियो तो हमारी ये वाली हो गई जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी वीडियो में आप देखिए इसको समझेंगे, यहां पे हम आपको बताएंगे कि पॉलिसी टारगेट जो आपके पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी है उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से टारगेट्स होते हैं, ठीक है। तीसरी और चौथी वीडियो में हम आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा बच्चों हम पांचवी और छठी एक और वीडियो हमने बनाई हुई है, फाइव और सिक्स नंबर की वीडियो एक तरीके से एक्स्ट्रा वीडियो है, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। पांचवी वीडियो में तो हम आपको बताएंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। इसके अलावा बच्चों छठी जो वीडियो होगी, सिक्स नंबर की वीडियो, उसमें बच्चों हम आपको बताएंगे कि जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किस तरीके से काम करती है, क्योंकि देखिए आपके सिलेबस में तो इसमें नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई बढ़ने से इंटरेस्ट रेट गिरने क्यों गिरता है, प्राइस क्यों बढ़ता है, जीडीपी पर क्या असर पड़ता है, वो सारा का सारा हमने छठी वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें हमने आपको मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है उसका वर्किंग प्रोसेस किस तरीके का है। तो पांचवीं छठी वीडियो तो आपके लिए ऑप्शनल है, बाकी की सारी वीडियो आप देख लीजिएगा यहां से। इसके अलावा बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि मैंने मनी और बैंकिंग का पूरा सिलेबस आप बच्चों के लिए तैयार किया हुआ है, तो अगर आपको ये सारा का सारा सिलेबस देखना है तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।